नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आज चल रहे हैं श्री रामचंद्र जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने, यानी कि पावन नगरी अयोध्या धाम का दर्शन कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं पावन धाम यानी कि अयोध्या नगरी में। तो आइए हमारे साथ चले और आज एक एक करके बड़े बारीकी के साथ आप लोगों को समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, प्रस्थान करते हैं। यह है कुतुबगंज, यानी कुतुबगंज का पेट्रोल टंकी है इंडियन ऑयल का और यहीं से हम लोग निकलते हैं। और आज एक एक करके संपूर्ण रास्ते का जो दृश्य है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। दोस्तों पेट्रोल टंकी से थोड़ी दूर पे यानी कि बड़ा ही मशहूर मंदिर है हृदय नगर बजहा मंदिर। बड़ा सुंदर दृश्य है और बड़ा सुंदर लोकेशन है। मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा दें, क्योंकि जहाँ से हम लोग चले हैं वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब चलते हैं क्योंकि उतरौला और मनकापुर रोड पे बीच में रेहरा बाजार पड़ेगा और रेहरा बाजार से लगातार हम लोगों को लगभग 50-45 किलोमीटर के आसपास चलना है, फिर पहुंचेंगे पावन धाम अयोध्या नगरी। जो उतरौला से मनकापुर को जोड़ता है और ये डायरेक्ट फैजाबाद भी जाता है, यही रोड इसी रास्ते से हम लोग निकलेंगे अयोध्या के लिए। अब मेन हाईवे है ये और यहाँ से अब हम लोग मनकापुर, उसके बाद जो है नवाबगंज, नवाबगंज के बाद अयोध्या धाम पहुँचेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं रेहरा बाजार, यानी कि ये मेन मार्केट है हम लोगों के शुरुआती सफर का। और इसके बाद जो है हम लोग बहुत फास्ट निकलेंगे, छोटे छोटे बहुत से मार्केट पड़ेंगे लेकिन वहाँ से हम लोग रुकेंगे नहीं, बहुत फास्ट निकलेंगे। ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रेहरा बाजार, क्योंकि जब हम कुतुबगंज पेट्रोल टंकी से चलते हैं तो 5-7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो बने रहिए वीडियो पर, लेकर चलते हैं आप लोगों को, छोटे छोटे अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते चलेंगे और हमारे साथ पूरे रास्ते में बने रहिए, हम आपको लेकर चलेंगे पावन नगरी अयोध्या धाम। आप लोग देख रहे थे हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या के लिए और काफी दूर चलकर आ चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में हमारे मित्र जो है अभिषेक सिंह जी और काशी सलोना भाई साहब से मुलाकात हो गया। ये भैया बड़े जबरदस्त सिंगर हैं और दोनों लोग जो है बहुत अच्छे भोजपुरी लोकगीत व अवधी लोकगीतों में इनका पकड़ है और बहुत अच्छे सिंगर है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मुलाकात करा दें इसी कड़ी में, क्योंकि समय का अभाव होता होने की वजह से बहुत कम समय मिल पाता है कि अपने मित्रों से मुलाकात हो पाए। तो क्या कहेंगे जो है अभिषेक जी? नमस्ते प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र, हमारे बहुत ही अच्छे भाई ध्रुव लाल जी आज आए हैं हम लोग से मिलने के लिए और बहुत दूर से चलकर ही आए हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं। क्या बात है, कैसे हैं आप? मस्त है, एकदम बढ़िया है। हमने सोचा कि वैसे काम तो हमेशा करते रहते हैं। बिल्कुल सही है। काम हर एक इंसान के पास काम बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, लेकिन मैंने सोचा भाई काम ही करेंगे तो आखिर आपसे मुलाकात कैसे होगा, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का इतना बढ़िया धाम है अयोध्या धाम है और हमारे घर से कुछ ही दूर पे मान के 50-60 किलोमीटर की अयोध्या एक बार जरूर आओ वाले डेट में ट्रस्ट हो जाएगा। अयोध्या आइए सर, हम लोग आपको टूरिस्ट बिल्कुल एकदम। हाँ बहुत ज्यादा अभी समय तैयारी हो रहा है, अभी देखिए आया है बहुत जल्दी, वो लता मंगेशकर चौराहा भी बन चुका है, मतलब बड़े बड़े अपडेट हो रहे हैं। अपडेट हो रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में काशी जी और सब, आज हम मिलकर चलेंगे अयोध्या, आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब से श्री रामचंद्र जी महाराज का मंदिर का निर्माण हो रहा है बहुत कुछ बदल चुका है। तो बने रहिए और आए हैं माता जी के स्थान पे और नवरात्रि का महीना है, नवरात्रि चल रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दे और साथ साथ में लेकर चले अयोध्या।
बड़ा जंगल है और इसी जंगल में बीच में माता जी का स्थान भी है। और मतलब चोरों से लेकर, डाकुओं से लेकर, वन्य जीवों से लेकर, राजाओं की लड़ाइयों से लेकर, मतलब कई ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हैं इस जंगल से। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो क्षेत्रीय इतिहासकार हुआ करते थे, जैसे बूढ़ बुजुर्गों के माध्यम से हम लोगों को जो कहानियाँ किससे सुनाया जाया करते थे, तो उसमें इस जंगल का बहुत तरह तरह के प्रत्यांत नजर आए हैं तमाम कहानियों और किस्सों में। ज़्यादातर जो यहाँ के क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, यानी कि और जो डाकू हुआ करते थे, चोर हुआ करते थे, जंगली जानवरों का बड़ा अलग ही तरीके से सब कुछ रहा है कहानी। जब तक जंगल कहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इस जंगल से हम लोग चल रहे हैं, रात को 9-10 बजे के बाद यहाँ पर पहले लोग नहीं आना जाना पसंद करते थे, शाम होते ही ये रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन अब तो चलो हाईवे रोड बन गया, गाड़ियाँ हाई स्पीड वाली गाड़ियाँ हैं, आती जाती रहती हैं। बाकी काफ़ी लंबा जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है। तो दोस्तों काफी दूर चलकर आ गए हैं मनकापुर से, बीच जंगल में है इस समय, जबतिया के जंगल में। यानी ये वनशक्ति दाई का मंदिर है, वनशक्ति दाई कहते हैं, जो प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और बीचों बीच जंगल में है। नवरात्रि का सीजन था तो मेला वगैरह लगा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आराम करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि लोकल का क्षेत्र है और लोकल के लोग जो है यहाँ पर दिन में, नवरात्रि का सीजन है तो दिन में मेला लगता है, दिन में लोग आते हैं और रात में संभवतः बंद हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग रिटर्न हुए थे अयोध्या से तो ये बंद हो चुका था। मैंने सोचा दिन का जो सीन है उसको आप लोगों को दिखाया जाए। और हम लोग काफ़ी टाइम से चल रहे थे, लगभग 40-40 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, तो थोड़ा रिलैक्स तो मांगता ही है। साथ साथ में हमने सोचा कि कुछ खाया पिया जाए। मैं एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन मैंने नॉइस ज़्यादा होने की वजह से जो है हटा दिया हूँ। ये गांव के जो छोला मटर होते हैं ना, बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाने में। एक बूढ़ी अम्मा जो है बना रही थी तो देखते ही मुंह में पानी आ गया और ये हुआ कि भाई अब इसको खाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुके और इसको खाने के बाद फिर से निकलते हैं अयोध्या के लिए। तो बने रहिए, ले चलते हैं आप लोगों को। नवाबगंज 13 किलोमीटर, अयोध्या 24 किलोमीटर, प्रयागराज 186 किलोमीटर, कटरा 19 किलोमीटर, बस्ती 79 किलोमीटर, गोरख 159 किलोमीटर, यानी गोरखपुर 159 किलोमीटर यहां से है। तो अब हम लोग खींचेंगे अयोध्या के लिए। लखनऊ, तरफगंज, करनेलगंज और इधर अयोध्या, प्रयागराज, बस्ती, गोरखपुर, मतलब लेफ्ट साइड में ये है चौराहा नवाबगंज का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं।
मोदी जी का पुल प्रारंभ हो रहा है, बस यही है। तो आइए हम कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के हरे दरबार। देखिए अयोध्या, संजय जी बहुत देर से कैमरे चला रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, और अच्छे से ये नदी आपको दिखा रहे थे, और वो रेलवे का पुल है जो आपको गाड़ी ले जाता है सीधा राम मंदिर पे, राम पैड़ी के पास में। और हमारे ध्रुव सर हैं जो आपको बार बार बताते भी रहते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या, इसको देखते हैं। ये अयोध्या धाम है, अयोध्या नगरी, सामने है राम की पैड़ी और उधर से है रेलवे ब्रिज, और काफी दूर तक बना हुआ है। आज जहाँ तक हम लोगों को मौका मिलेगा जाने का, तो आप लोगों को अयोध्या धाम का पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब ऐसा अवसर मिलता है, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के धाम में है हम लोग अयोध्या धाम में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन कराया जाए। तो अभी सरयू पुल पे है, पुराना वाला पुल है ये, और इसको क्रॉस करके अब हम लोग अयोध्या में। तो आइए लेकर चलते हैं अयोध्या धाम। और ये हम लोगों का बाइक है जिससे आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, और बहुत दूर से जो मान के चलो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चला के गाड़ी ध्रुव कर आए हैं। 62 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। एक चीज का हम लोग ना जैसे बीसीटी के लिए, सिंगरों के लिए, स्टूडियो के लिए भी रुके हैं, इधर उधर गए हैं। सुबह 10 बजे घर से निकले थे, और लगभग कितना टाइम हो गया भाई? टाइम हो गया होगा लमसम 4 बजने वाले होंगे। चार बजे तो पहुंच चुके हैं वैसे लमसम। चलिए फिर आगे दिखाएंगे।
दोस्तों ये आदि पुरुष का टीजर अभी रिलीज हुआ है तुरंत का तुरंत। देखने को मिलेगा और जो ब्लॉगिंग से संबंधित होगा बीसीटी ब्लॉग पर देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। और अब हम लोग जो है चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। रियली थैंक यू कि मुझे आपने जानकी के काबिल समझा। बहुत ही आई थिंक मेमोरेबल रोल है मेरे लिए। मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे आप बहुत जुड़ जाते हैं और